पहले हम लोग लिखवाए, लिख के फिर सबूत हम लोग को लिख के दिया, साइन किया, उसके बाद फिर आज का भी यही सिग्नेचर दिया है लिख करके, तभी हम लोग जाम हटाया। तो कि कब हटाने का बात कहा है इसको? 10 दिन के अंदर हटाया। हम लोग वहाँ जाम ठीक करवाए थे, जाम में हम लोग भी शामिल थे। तो उसके बाद थाना प्रभारी भी आए थे और BDO साहब भी आए थे, उन लोग से हम लोग रिसीविंग करवाए, तब जाके हम लोग जाम को। यहाँ बिरसा मुंडा का पंचायत स्तर में खेल बंद रहेगा तो कैसा, पूरा ऑल इंडिया बंद करने से ठीक अच्छा, रहता, ये भगवान बिरसा मुंडा इसीलिए का हम जन्मस्थली लोग है। का सोच के हम लोग आज देखिए, मैं अभी कुलिहातू में हूँ और भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्मस्थली है ठीक मैं वहीं बैठा हूँ, उसी प्रांगण में हूँ और ये पुस्तकालय है यहाँ। यहाँ आज एक सरकारी कार्यक्रम था। खैर, कार्यक्रम को बताने से पहले हम आपको कुछ ग्रामीणों की समस्या पर चर्चा करते हैं। दरअसल भगवान बिरसा मुंडा का जो ये जन्मस्थली है, इस गांव तक आने के लिए रास्ते में जो है कुछ जगह है जहां राष्ट्रपति का आगमन होने के समय और प्रधानमंत्री के आगमन के समय, दोनों ही समय अलग अलग जगहों पर हेलीपैड बना। और जब हेलीपैड बनाया जा रहा था तब उनको ये आश्वासन दिया गया था ग्रामीणों को कि हेलीपैड जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का जो आगमन था, आगमन के दूसरे या तीसरे दिन हटा लिया जाएगा। लेकिन लगभग 1 साल बीत गया और अब तक हेलीपैड नहीं हटाया गया है। तो आज मजबूरन ग्रामीणों को जो है सड़क जाम करना पड़ा। सरकारी कार्यक्रम था यहाँ, सरकार के जो कर्मी हैं, जो पदाधिकारी लोग हैं, वो आज यहाँ आ रहे थे, तभी ग्रामीणों ने जो है आज सड़क जाम किया था और उनका मांग था कि इस जमीन को खाली कराइए। तो इसी को लेकर आज ग्रामीणों ने जो जाम किया था, हम अभी ग्रामीणों के साथ बैठे हैं और एक बार नाम बता दीजिए मुखिया जी। मेरा रेजन मुंडा, ग्राम पंचायत बनिचकेल, थाना अणकी, प्रखंड अणकी, जिला कौन है आप खूंटी इस जरखंड पंचायत का? आप जी। क्या हैं अभी? अभी तो पंचायत के मुखिया पति है, मुखिया मैडम है। अच्छा, मुखिया पति हैं। हाँ, भाई, आप लोग यहाँ सड़क जाम किए थे, क्या मांग है आप लोगों का, क्यों जाम किए थे? हम लोग का मांग था कि सड़क जाम करने का, कि प्रधानमंत्री आने के बावजूद जो मैदान, खेल मैदान में हेलीपैड बनने के बात हो गई, तो फिर उसमें हम लोग लिख करके BDO साहब भी लिख के दिया है, और तभी क्या बात हुआ था जब हेलीपैड बन रहा था? उसको फिर हटाया जाए, मतलब 15 नवंबर को बनने के बाद फिर 16 तारीख को, 16 नवंबर को हटाने का बात बात था। था, तो वो चीज़ नहीं हो ने के चलते हम लोग आज कितना दिन हम लोग बोलते बोलते अनसा हो गया। DC के वहाँ भी हम लोग गए थे, दो दो तीन बार ऐसा तो बोले थे BDO साहब को भी, फिर उसमें हाँ हम लोग करेंगे, हटाएंगे, ऐसा करके बात करते करते 1 साल बीत गया। तो इसलिए हम लोग आज सरकारी कार्यक्रम होने के नाते वो DC आने का था, तो हम लोग पहले हम लोग रोड जाम किए। अच्छा, कहाँ कहाँ के लोग हो तीन हड़म सिंह बनचकेल के और लुपुंडी के आदमी लोग थे। आप? अच्छा, तो फिर क्या हुआ आगे? फिर उसके बाद फिर जब तक हम लोग नहीं हटाए तब तक गाड़ी हम लोग पार्क करने नहीं दे रहे के बावजूद, फिर खबर मिला DC साहब को, फिर अपना लिख करके मैसेज भेजा BDO का मोबाइल में, फिर उसका पढ़ के सुनाया और फिर लिख करके दिया, तब हम लोग जाम को कहाँ है वो हटाए। कागज लिख के दिया है, कहाँ है? हम ही लोग के दिखाइए, खेल थोड़ा दिखाइए, यही सबूत हम लोग पहले का भी इसके दिखा दीजिए ना। ये पहले हम लोग लिखवाए, लिख के फिर सबूत हम लोग को लिख के दिया, साइन किया, उसके बाद फिर आज का भी यही सिग्नेचर दिया है लिख करके, तभी हम लोग जाम हटाया। तो कब हटाने का बात कहा है? दस फोटो खींच दीजिए, दिन के अंदर हटाएंगे। फोटो खींच दीजिए। हाँ, जो जमीन जहाँ हेलीपैड बना है, आप लोगों को क्या दिक्कत है, क्या होता दिक्कत, है, हम खेती लोग का होती है वहाँ यहाँ? खेल मैदान था, खेल मैदान था, फिर हम लोग अपना श्रमदान से बनाया था, खेती कितना भी होता खर्चा था भी, क्या? हाँ खेती नहीं करवाए थे उसमें, खेल मैदान केवल हम लोग वहाँ सिर्फ खेल मैदान बना पहले तो सबसे पहले तो खेती करता था, फिर हम लोग खेल मैदान बनाने के बाद प्रधान जी खेल समिति लोग के में जिम्मा दिया था, अच्छा। और उसमें हम लोग बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं, फिर उसमें और सब हर जगह खेल होता है, तो फिर हम लोग कि हाँ गांव बिरसा से भी मुंडा लोग का हैं। पंचायत
पंचायत स्तर में खेल बंद रहेगा तो कैसा पूरा ऑल इंडिया बंद करने से ठीक रहता, इसीलिए हम लोग सोच के हम लोग आज बंद किए थे। तो और जो है अब आप लोगों को उम्मीद है घट जाएगा ना? हाँ, चलिए। पहले वहाँ खेती होता था, लेकिन खेती को हटाकर भगवान बिरसा मुंडा के इस गांव इस पंचायत में जो है खेल मैदान बनाने के लिए उस जगह को दिया, ताकि भगवान बिरसा मुंडा के गांव में खेल मैदान हो और यहाँ के बच्चे खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े। इस सोच को लेकर लोगों ने जमीन दिया और खेल मैदान बनाया, लेकिन उस खेल मैदान को जो है हेलीपैड बनाकर अभी तक ऐसे ही छोड़ दिया गया है, और इससे खेल प्रभावित हो रहा है, उससे खेल में दिक्कत हो रहा होगा ना बच्चा? हाँ, अभी खेल में दिक्कत रहा, हम लोग का प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, तो कैसे हम लोग आगे बढ़ पाएंगे? बिल्कुल। तो अब जो है अब जिला प्रशासन की ओर से इन्हें एक लिखित मिला है, आश्वासन मिला है कि 10 दिनों के भीतर हेलीपैड वहाँ से हटा दिया जाएगा। हम कुछ ग्रामीणों से और भी जानने का कोशिश करते हैं। इस पंचायत में जो खेल का आयोजन होता है हॉकी खेल, अभी उनका कोच हमारे साथ है, और किस तरह से खेल अभी प्रभावित हुआ है हेलीपैड बनने के बाद, हम इनसे जानने का कोशिश करते हैं। बताइए क्या दिक्कत हो रहा था हेलीपैड बनने से? आप हेलीपैड बनने के बाद उसमें खेल नहीं हो सकता है, क्योंकि दो जगह बना हुआ है हेलीपैड, और उसमें एक साल प्रैक्टिस करना था, हर संडे को प्रैक्टिस करते हैं, वो नहीं हो सकता है। और जब खेल नहीं हो सकता तो छोटा छोटा बच्चों का भविष्य, मतलब खेल के क्षेत्र में आगे, हाँ, भविष्य पीढ़ी में दिक्कत। कितना दिन से आप लोग कहाँ खेल रहे थे? ऐसे ही नहीं खेल रहे हैं अभी तो, खेल नहीं रहे, क्योंकि जगह नहीं है और तो। अच्छा, जगह नहीं। इससे पहले आप लोग यहाँ से कोई क्या मतलब खेल के क्षेत्र में कहाँ तक आगे बढ़े थे, बच्चों को कहाँ तक आगे भेजे थे, किसी जैसे जिला लेवल हो या फिर ब्लॉक लेवल तक तो गए हैं, लेकिन आगे तक नहीं बढ़ पाए हैं अभी तक। कोशिश है, लेकिन अभी तो मैदान में हेलीपैड बनने के कारण वो भी टफ हो गया है। तो आज आप लोग क्या किए उसे मैदान को खाली कराने के लिए, क्या कर रहे थे? सुन रहे हम लोग वहाँ जाम की करवाए थे, जाम में हम लोग भी शामिल थे। तो उसके बाद थाना प्रभारी भी आए थे और BDO साहब भी आए थे, उन लोग से हम लोग रिसीविंग करवाए, तब जाके हम लोग जाम को मतलब वही कि मैदान खाली करो बोल के, हाँ, उसमें लिखवाए कि हम 10 दिन के अंदर इसको हटवाएंगे, वो हम लोग लिखवा लिए, रिसीविंग करवा लिए, तब हम लोग जाम हटा लिए। चलिए अच्छी बात है, और खेल को अब जो है आगे बढ़ाइए, है ना? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा जसवा पूर्ति। कोच है कि हम लोग कौन सा खेल का विभाग का कोई नाम होगा ना समिति का? हम लोग का खेल कमेटी का बिरसा मेमोरियल हॉकी क्लब बड़े निचकेल, हम लोग का जो कमेटी का उसका खेल विभाग का कोच है आप? हाँ। चलिए ठीक है। तो ये जो है हमारे साथ, हालांकि बहुत ग्रामीण हैं, अभी इधर भी हैं, कैमरे के पीछे भी लोग बैठे हुए हैं, जैसे ही हम यहाँ पहुँचे गाँव वाले हमें देखकर जो है हमारे साथ बातचीत किया, और गाँव वालों को जो ने देखा तो गाँव वाले लोग यहाँ पहुँचे और हमसे बातचीत कर रहे हैं। अब जो है समस्या जो था इन लोगों का हमने आपके सामने रख दिया है, आप ने सुना ही पूरा बातचीत। अब फिर से हम इन लोगों के से जुड़ेंगे अगला, अगर वैसा कुछ मौका मिला तो। डाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झारनी हुई।